वेलकम टू क्लास 8 इंग्लिश। आज हम हनीड्यू बुक में से पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। दिस इज अ फैबल। फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं एंड अ मैसेज इज कन्वेड थ्रू द स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अ सिली यंग क्रिकेट एक्सटम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो इसमें एक क्रिकेट है, क्रिकेट जिसे हिंदी में झिंगुर भी कहा जाता है। फोर लेग्ड एनिमल्स होता है, चार टांगों वाला एक कीड़ा होता है। एकस्टम टू सिंग, एकस्टम मीन्स हैबिचुअल, उसे गाना गाने की आदत थी। वो स्प्रिंग समर सीजन में, गर्मी में, वार्म सीजन में भी हर समय वो गाना गाता रहता था, खुश रहता था। बिगेन टू कंप्लेन, पर अचानक जब सर्दी का मौसम आने लगा तो वो कंप्लेन करने लगा। क्या कंप्लेन करने लगा? When he found that at home, his cupboard was empty and winter was come. सर्दी आने वाली थी, विंटर का सीजन आने वाला था, बट उसकी जो कबर्ड थी, खाने का सामान जहाँ वो रखता था, वो खाली हो चुकी थी। उसमें खाने को कुछ भी नहीं था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. हर तरफ विंटर आ चुकी थी, इसलिए सब तरफ स्नो था। Not a flower could be seen. एंड अ लीव ऑन अ ट्री, ना तो पेड़ों पर पत्ते थे और ना ही कुछ खाने को बचा था। एक टुकड़ा भी, एक क्रम मीन्स टुकड़ा, खाने का एक टुकड़ा भी उसके पास नहीं बचा था। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कहता है व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। विंटर हैज अराइव्ड और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन में, स्टार्वेशन भूख की वजह से, फेमाइन उसके पास खाने को जब कुछ भी नहीं होता, अकाल की स्थिति आ जाती है, तो उसे फेमाइन कहा जाता है। तो इस भूख में उसने क्या किया, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, उस समय जब हर तरफ स्नो थी, ठंड थी। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, एक वो आंट के पास जाता है जो कि उसका फ्रेंड होता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। वो इस होप में जाता है आंट के पास कि आंट उसे बारिश से बचाने के लिए शेल्टर भी देगी और कुछ खाने के लिए ग्रेन, कुछ दाना भी देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमारो। उससे वह सिर्फ आंट से बोरो करना चाहता था खाना, यानी कि उधार लेना चाहता था। And he would repay it tomorrow, और कल वो उसे वापिस उधार चुका देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. अगर वो आंट उसे कुछ खाने को नहीं देगी, what will become of him? He will die of starvation and sorrow. वो दुख से और भूख से मर जाएगा।